अरे भाभी। हाँ। तुम अब आई हो? एक घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। अरे वो तुम्हारे लिए चल रहे थे, बड़ी चोरी छुपके आई। भैया गलत आप तो तुम कहो तो। उसके बाद हम तुम आराम से रहेंगे दोनों अकेले। और देखो भैया हैं वो तुम्हारे। अरे भाभी अब हमें छुप छुप के मिलना पड़ता है, फिर हम खुले आम रहेंगे ना आराम से। तो सही है। और क्या, जैसे तुम छुप छुप के आती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर हम खुलेआम कहीं भी इस घर में किसी भी कोने में कुछ भी कर सकते हैं भाभी, है ना? मैं मार डालू उनको। अरे कुछ नहीं होगा ना, देखो तुम दूध तो रोज उनको पिलाती हो तो दूध में ही दवाई खोल देना, दो मिनट में काम खत्म। उसके बाद तो तुम और मैं, है कि नहीं? अब ऐसे ही बैठी रहोगी, कुछ करोगी भी? सिमरन कहाँ चली गई हो? सिमरन मदन क्या हो गया इन्हें? आओ बाहर को समझाऊंगा तुम्हें। मैं मदन। हाँ भैया। भैया क्या था यो? अरे भैया क्या बताऊं, मैं तो छोड़ पड़ा था अच्छा खासा। अच्छा भाभी अंदर साई पहले तो मुझे आवाज आ रही पैरों की छमछम की, मुझे लगा कि बालक बालक होएगा, छमछम छमछम करती आवाज मेरे फाट तक आएगी, मैं जो आंख खोली तुम्हें छाती बैठी और मेरा गला पकड़ना खानू करके, मैं वो कह रहा भाभी क्या होगी तुम्हें, भाभी क्या होगी, मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो, तुमने कह रही तू जान से मार दूंगी, तू जान से मार दूंगी, मेरे अंदर तो भूत नहीं आ रही है, नुआ पहाड़ों पर रहती हूँ मैं, मंदिर में रहती हूँ, फलाने में ढिमके में रहती हूँ। यार मदन क्या करा जावे, इसका रूप तो मैंने पहली बार देखा, मैं तो सही बता रहा हूँ भाई, मुझे खुद पहली बार पता चली है, आधे घंटे पहले आई थी और आया मेरे गले बैठ गई। आधे घंटे पहले? हाँ आधे घंटे झेल लिया, मतलब भैया मैंने तुम्हें बहुत आवाज मारी अंदर, पर तुम आवाज नहीं गई, यू गेट लग रखा ना तो अंदर की आवाज बाहर न जाती इसमें। भाई यार मदन इसका कुछ इलाज करा यार, ये तो बहुत ही खतरनाक है यार। इलाज विलाज कुछ नहीं भैया, अगर तुम आधे घंटे ना आते तो मुझे तो ज्यादा मार देती हूँ। अरे भाई तुम सही करो, तुम सही टाइम पे आएगा भैया, भैया इसका इलाज करवाओ भाभी का, भाभी मैं बहुत प्यार करूँ भाभी से, भाभी कुछ हो गया मैं रोटी बनाया कौन देगा भैया? ना भैया मैं हूँगा, मैं इसका इलाज करूंगा। सुबह को भगत को बुलाओगे तो अच्छे से? ठीक भगत बुलाऊंगा सुबह को, ये रगड़ा खत्म करूंगा पहले। हाँ भैया चलो सो जाओ, तुम ध्यान रखिए भाभी का। सो जा तू भी, कोई बात हो तो मुझे बता दियो। ठीक है सो जा, सो जा आराम से। ठीक है भैया मैं ही लेटा हूँ। ठीक है सो जा आराम से सो जा। बहन का बवाल बता दिए, कोई दिक्कत हो यो पहले आ गया बवाल साला। बस सालो रात क्या हो गया यो, भूत बहन चो घबरा गया मैं, भगत जी को बुलाना पड़ेगा आज। अरे भगत जी क्या ढूंढ रहे हो? अरे मैं यूं ढूंढ रहा था जोन सी तुझे तीन खुराक जो दी थी
परसों वो तीनों खा ली थी। हाँ वो तो खा ली थी मैंने। और आराम होया कुछ? हाँ आराम हुआ मुझे। अच्छा आप क्या ढूंढ रहे हो तुम इसमें? मैं ढूंढ रहा था एक जो गोली और रखी थी उससे बिल्कुल ठीक हो जाता। वो भगत जी, भगत जी आजा भी आजा। और भाई भगत जी राम राम। राम 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 राम। और सब ठीक है घर? अरे भगत जी मामला इधर ठीक ना। बस क्या बात हो गई? अरे बहुत गड़बड़ हो रही है। अजी हाँ। कल छोटे बहुत छोटे वाले भैया में मामला क्या पड़ गया। किस मामले में? अरे बहू पे कुछ सीन हो गया दी है। अभी जो अभी तेरी वाली को? अरे मेरी वाली को ही। अच्छा कोई विश्वास मिला करने का देख के ऐसा बनी ऐसे। और तेरी लुगाई तो अच्छी खासी है वो। अरे अच्छी खासी तो ना है। बस भगत जी तुम चलो यार। अच्छा हाँ कुछ देख अभी चले। अभी बिल्कुल अभी चलो चलो लल्ला चलिए था ना। चलो चलो रात मेरे भैया को मार दिया होता यार। बस मैं बहुत परेशान हूँ। चल भाई जब तू बात ऐसी कर रहा कुछ ज्यादा दिक्कत दिखा है। बहुत दिक्कत है। रात छोटे वाले भैया पे मामला कहना पड़ गया। अच्छा। उसका गला दबा दिया बिल्कुल गला। मतलब खेल रही थी क्या खेल? ऐसा करके जो हुई है मेरा तो। भाभी भैया मैंने भगत के पास भेजे हैं। सही है अब मोहब्बत कर लो। रात तो आ गए थे वो है ना। पर रात भाभी तुमने एक्टिंग बड़ी खतरनाक करी। एक बार तो मैं भी डर गया। असली लग रही थी बिल्कुल। आखिर मैं हूँ भी तो क्या? अरे मेरी जान हो तुम। भाभी भाई आ गए। एक्टिंग करो एक्टिंग करो। पीछो 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 एक्टिंग करो। भाभी भाभी उठ जाओ। भाभी भैया तुम आ गए। भगत जी ये है। अरे भगत जी। हाँ जी। एक घंटे से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ भाभी को। उठी ना रही। भगत जी नहीं क्यों मेरी सिमरन को क्या हो गया? भगत जी भगत जी इनका इलाज कर रहे तुम कुछ? ठीक है तुम जरा इधर आ जाओ। लो जी यहाँ को आ जाओ। क्या है झोले में? क्या हो रहा है? आयो इसमें ही तो है सब कुछ। भैया सिरदार तो भाभी का। क्या निकला इसमें? इसके अंदर दो जने हैं। दो जने? एक दिन में आता है और एक रात में आता है। हाँ भगत जी रात को आवे है। आया तो मेरा गला दाब दिया। वो खेलता है। हाँ खेलता है खेला है पूछ लो भैया से। रात मेरे भैया का गला दबा दिया है। मार देते मेरे भैया को। भगत जी देख लो कुछ। देखो भाई रात मुझे मार दिया तो भगत जी ने तो भैया ने बचा लिया मुझे। देखो भाई अब तक तो जो हुआ वो जो हुआ लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ सुनाओ। दोनों भाइयों को कुछ नियम करने पड़ेंगे। हम तो सारे नियम कर लेंगे। कर लेंगे भगत जी। बस नियम कुछ ठीक हो जा। नियम कुछ इस तरीके से हैं कि सोमवार के 7 दिन तुम्हें व्रत रखना पड़ेगा और इतवार के 7 दिन तुझे रखना पड़ेगा। ठीक है भगत जी मैं रख लूंगा। ठीक है। और इतवार के 7 दिन मंगल के 7 दिन नहीं सोमवार के 7 दिन। सोमवार के कौन 7 दिन हो? सोमवार के 7 दिन आवे हैं हमें। जो जो सोमवार का दिन होगा वो 7 बजे आप है। अच्छा तो इस हिसाब से जो ना 7 सोमवार लेने। मुझे लेने नहीं लेने वो। तुम्हें लेने वो। वही ने? इन्हें इतवार के लेने। ठीक है भगत जी मैं रख लूंगा। मैं भाभी के लिए तुम 7 दिन के मैं 15 दिन भी रख लूंगा। पर मेरी भाभी ठीक होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक हो जाएगी क्योंकि इनके अंदर जो एक रू आई हुई है। रू 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 तुम दोनों को मैं एक भभूति दे रहा हूँ। उस भभूति को सुबह शाम दूध में घोल कर इस लड़की को पिलाते रहना। ठीक है। और जब तक तुम इसे पिलाओगे जब तक जो है ये ठीक हो जाएगी 1-2 दिन में। चलो पर बाबा जी ठीक होनी चाहिए बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बताओ दूध भैंस का या बकरी का? बकरी का। लैंड का या बाकड़ी का? बाकड़ी का। अच्छा ठीक है। सुबह शाम जो है 1-1 चम्मच दूध में घोल कर दे दियो। ठीक है लो। तो डिब्बा नैरो लक का? ये नैरो लक का डिब्बा है लेकिन इसके अंदर जो ना भभूति भर रखी है क्योंकि बालक जो पुड़ियों में पकड़ने हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ध्यान से रखियो। सुबह शाम देनी है? सुबह शाम देनी है बिल्कुल। और कोई और दिक्कत हो तो मुझे बता दियो। ठीक है भगत जी ठीक है। अच्छा मैं चलूं मगर कुछ थोड़ा सा कुछ कर दे। भगत जी लाओ बारकोड दे दो मैं तुम्हें ऑनलाइन कर रहा हूं। ऑनलाइन ना चलाता मैं। तुम ऐसा करो घर पहुंचो तुम्हारे घर पहुंचते ही पैसे भिजवा दूंगा मैं। पहुंच जाओ पहले तुम्हारे पैसे पहुंच जाएंगे। तुम्हारे खानदान में तुम्हारे बाप ना ना भगत जी मैं देना है। बस भगत जी मेरी वाइफ ठीक हो जा। हमारे ठीक हो जा यार। भैया बहुत दिन रखे हो तुम। मैं भाभी के सिर दाब रहा हूं।
वो भैया मोनू क्या हो गया तुझे, क्यों शान से बैठा है ऐसा, तू परेशान लग रहा है यार। मैं बहुत परेशान हूँ यार, बहुत परेशान हूँ। अब हुआ क्या है बताएगा भी कुछ? हुआ क्या, 10-5 दिन से मेरी बहू रोज छोटे वाले भैया गला पकड़ ला रात को। गला पकड़ ले, क्या मामला है, क्यों पकड़ ली गला? मामला क्या, भूत आ रहे हैं। उस दिन मैं पूछ रहा क्या हो गया तो तू कर रही हट जा भैया, खुद फेंक के मार रही। भूत आ रहे हैं? अबे उसे क्या नाम है, टिल्लू जो बाबा, उसे दिखाया ना गया तूने? अरे उसे उसे दिखाया, वो खुद देख के गया, खुद मंत्र लगा गया, भभूति दे गया, उससे भी कुछ फर्क ना हो रहा। अब भी रोज छोटे वाले भैया परेशान कर रही है, रोज सीने पर चढ़ के गला पकड़ लिया उसका। यार टिल्लू जो बाबा, वो तो बढ़िया आदमी यार, उसकी भभूति से तो वो लच्छू का लौंडा ठीक हुआ। अरे वो तो भूत तो उछला हुआ, उसका कुछ ना हुआ, मेरी वाली का कुछ ना हुआ, ऐसी चल यार रोज। तेरा बताऊं क्या चक्कर है, तेरा जो भैया है ना अड्डू, तेरी बहू है, दोनों का टाका फिट चल गया। अरे टाका फिट ना है यार, मेरा भैया बहुत अच्छा, ये भूत का ही चक्कर है। भैया भूत का चक्कर ना है वो, ये किसी और चीज का चक्कर है, तू समझ नहीं रहा बात को। ना यार तू ऐसा मत कह, देख मेरा भैया बहुत अच्छा, तुझे यकीन ना आ रहा। एक काम करिए तू, रात में अपना आप देख लिए खुद ही, तुझे पता चल जाएगा क्या सीन है। अब तो मैं चल रहा हूँ जरा, मेरा थोड़ा काम भी है आज रात। हाँ रात देख लिया भैया अपने आप। कुछ दाल मकाला तो मुझे भी लग रहा, दोनों तरफ से ही, आज रात देखूंगा। आज रात ही नहीं देखूंगा सालो। बहन का कुत्ता काटू, यो इसके भूत हैं, आज इसके भूत ही तारूंगा। अरे भाभी छोड़ो भैया भैया को, चुप मुझे फटाफट मीटिंग। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छोड़ दो भाभी, भूत नाटक दिखा रही। भाभी को, भाभी को मार रहे हो। मैंने तुझे क्या समझी थी यार, मदद तू भैया, ऐसा कुतरा तुम्हें गलतफहमी हुई है मुझे, तुझे छोटा भैया समझा, तेरी बहन भैया तुम्हें गलतफहमी हुई भैया, पहले गोली उसमें मारूंगा, फिर एक गोली तुझमें मारूंगा, फिर साली अपने हाथ में मारूंगा, खत्म कर दूंगा कहानी तेरी। सालों ने अपनों ने खून पी रखा, तेरी सुसरी मारू तुम्हें बताऊंगा पहले।